स्टूडेंट्स हमारी जो लास्ट क्लास डिस्कस की थी वो थी क्लास टेरिडोफाइटा की सिलोप्सीडा पर, और सिलोप्सीडा के हमने जनरल कैरेक्टर्स को डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमारी जो क्लास है वो है लाइकोप्सीडा। लाइकोप्सीडा के जितने भी मेंबर हैं उनको जनरली हम क्लब मॉसिस के नाम से जानते हैं। इसके जो स्पेशल कैरेक्टर हैं वो हैं कि फर्स्ट प्लांट बॉडी आर डिफ्रेंशिएटेड इंटू रूट स्टेम एंड लीव्स, यानी कि जो पादप शरीर है वो जड़ तना पत्ती में विभेदित होता है। देखिए यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना कि जो हमारा साइलोप्सीडा क्लास थी उसमें रूट की जगह क्या प्रेजेंट थे, राइजोइड्स प्रेजेंट थे, जो कि एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है। यहाँ पर ये एडवांस फीचर इंक्लूड हुआ है जिसमें रूट का डेवलपमेंट टेरिडोफाइट्स में हो चुका है। देन वेस्कुलर टिश्यू आर प्रेजेंट, वेस्कुलर टिश्यू मीन्स जाइलम आर प्रेजेंट एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट। उस केस में केवल स्टेम के अंदर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट था, इस केस में कंप्लीट प्लांट में जाइलम और फ्लोएम जो है वो प्रेजेंट होता है। देन माइक्रोफिलस लीव्स एंड मिड रिप आर प्रेजेंट। देखिए मॉसेस हैं इसलिए लीफ जो है उसका साइज बहुत ही छोटा होता है। इस तरीके की लीव्स होती हैं छोटी छोटी सी, और उसके साथ सेंटर पार्ट जो है वो ये प्रेजेंट होता है, और इस सेंटर पार्ट को हम क्या कहते हैं, हम मिड रिप, इस सेंटर पार्ट को कहा जाता है मिड रिप। तो माइक्रोफिलस मीन्स बहुत छोटी पत्तियां होती है, एंड मिड रिप जो है बीच में मध्य शिरा इसको बोला जाता है, वो मध्य शिरा पत्तियों के बीच में प्रेजेंट होती है। देन ट्रोपोफिलस लीव्स आर प्रेजेंट। ट्रोपोफिलस मीन्स लीव्स, यानी ऐसी लीव्स जो कि क्या कर सकती है, कौन सी एक्टिविटी, वो है फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी, जो कि फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज़ को कर सकती है। तो यहाँ पर जो भी फूड का फॉर्मेशन होता है वो किससे होगा, लीफ के थ्रू फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होती है, और उससे किसका होगा, फूड का फॉर्मेशन होगा। तो ट्रोपोफिलस लीव्स जो है वो प्रेजेंट होती है, इसका मतलब है कि कौन सी लीव्स एब्सेंट हो गई है, कैटाफिलस। कैटाफिलस लीव्स स्केली लीव्स होती है जो कि केवल प्रोटेक्शन का काम करती है। देन स्पोरोफिल्स जो है, यहाँ पर स्पोरोफिल्स वही रिप्रोडक्टिव लीव्स हैं। स्पोरोफिल्स किसका फॉर्मेशन करती हैं, स्पोरेंजिया का, और स्पोरेंजिया में क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं। देखिए यहाँ एक स्पेशल कैरेक्टर कि यहाँ पर स्पोरेंजिया जो बनती है, उन स्पोरेंजिया में जो स्पोर का फॉर्मेशन होता है, तो ये एपेक्स है, मतलब ऊपर वाली सरफेस है, और इस ऊपर वाली सरफेस पर स्पोरोफिल्स जो है इस तरीके से एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेती है। इस तरीके से जब कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाती है, एक जटिल संरचना बनाती है, तो ये स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर ये कहलाती है कोन। बहुत सारी पत्तियां ऊपर की तरफ जा कर के शीर्षस्थ भाग पर जा कर के कोन का फॉर्मेशन करती है, शंकु बनाती है, या उसे हम कहते हैं स्ट्रोबिलस, तो इसका फॉर्मेशन करती है। और इन्हीं लीव्स पर क्या प्रेजेंट होती है, वेंट्रल सरफेस पर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है। जो कोन बनता है, कोन आर लूज एंड स्मूथ। जो कोन बनता है वो कैसा होता है, वो बिल्कुल ढीला, ऐसा नहीं है कि बहुत आपस में जो है पूरी डेंस हो, पूरी तरीके से चिपकी हुई लीव्स हो, ऐसा नहीं है। जो कोन बनता है वो बिल्कुल लूज होता है और बहुत ही छोटा होता है। इसका एक मेंबर हम डिस्कस करेंगे, सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम, जो भी ये से है हमारे प्रैक्टिकल के अंदर भी है। तो सिलेजिनेला का कोन हम जब कटिंग करेंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर और क्लियर दिखाई देगी कि किस तरीके से कोन स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स आर होमोस्पोरिक। देखिए ये पहली ऐसी क्लास है जिसमें होमो और हेट्रो जो है वो दोनों तरीके के स्पोर्स प्रेजेंट है। इसमें होमोस्पोरिक मतलब एक ही जैसे बीजाणु प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल है इसका लाइकोपोडियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा होमोस्पोरिक का एग्जांपल। क्लास लाइकोप्सीडा के अंदर होमोस्पोरिक का एग्जांपल है लाइकोपोडियम, और हेट्रोस्पोरिक मतलब दो तरीके के स्पोर बनते हैं, और इसका एग्जाम्पल है सिलेजिनेला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन क्लब मॉसिस में या लाइकोप्सीडा जो क्लास है उसके अंदर कॉमन नेम से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, और 1-1 मार्क्स में ये आपके कॉमन नेम से जो क्वेश्चन है, तो इनके कॉमन नेम आप लोग एक बार याद रखिएगा। जैसे लाइकोपोडियम को हम क्लब मॉस के नाम से ही जानते हैं, वैसे तो लाइकोप्सीडा के सारे मेंबर को क्लब मॉस जानते हैं, लेकिन स्पेशली अगर पूछा जाए कि ऐसा कौन सा टेरिडोफाइट्स है जिसका कॉमन नेम क्लब मॉस है, तो लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम एक मेडिसिनल प्लांट भी है,
क्योंकि इसका यूज़ किया जाता है होम्योपैथिक टोनिक बनाने में। तो इस होम्योपैथिक टोनिक बनाने में किस टेरिडोफाइट का यूज़ किया जाता है, तो उसका आंसर भी लाइकोपोडियम ही होगा। देन सेकेंड है हमारा आइसोइटिस। आइसोइटिस को क्विल वर्ड के नाम से जाना जाता है। क्विल मतलब नीचे की तरफ रेंगते हुए चलने वाला टेरिडोफाइट, तो क्विल वर्ड के नाम से आइसोइटिस को जाना जाता है। सिलेजिनेला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मेंबर भी आपको स्टडी करना है टेरिडोफाइट्स के क्लास में। देन सिलेजिनेला को लिटिल क्लब मॉस के नाम से जानते हैं और स्पाइक मॉस के नाम से जानते हैं। तो ये बहुत बार, ये फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि लिटिल क्लब मॉस का कॉमन नेम, मतलब कि कॉमन नेम किस टेरिडोफाइट का है, या स्पाइक मॉस से किस टेरिडोफाइट को जाना जाता है। देखिए सिलेजिनेला आपने देखा भी होगा मार्केट के अंदर, अगर आपने कई फेयर वगैरह में, कोई मेले वगैरह में गए हों, तो एक रेड कलर के कपड़े के अंदर एक ड्राई सा बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि पानी में डालने के बाद बिल्कुल ग्रीन हो जाती है, खिल जाती है बिल्कुल। इसीलिए इसको रिसर्शन प्लांट बोलते हैं। रिसर्शन मतलब होता है पुनर्जीवित, ठीक है। तो ये क्या है, पूरी तरीके से वापस जिंदा हो जाता है। जब एक बार इसको आपको देखने से लगेगा कि ये डेड हो चुका है, लेकिन ये पूरी तरीके से ये ज़िंदा हो जाता है। तो ये मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होता है, इसलिए इसे रिसर्शन प्लांट कहते हैं। देन सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस, ये एक स्पीशीज़ है सिलेजिनेला की। ऐसा माना जाता है कि जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे, तो उस समय जब हनुमान जी को ये बोला गया था कि आपको एक चमकता हुआ प्लांट लेकर आना है, एक बूटी लेकर के आनी है, और वो पूरा का पूरा पहाड़ उठा करके लेकर आए थे, तो वो जो संजीवनी बूटी है, वो संजीवनी बूटी ये सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस की ही है। देन लेपिडोडेंड्रॉन इज़ अ जायंट क्लब मॉस, ये फॉसिल हो चुका है, इसलिए इसका कॉमन नेम है जायंट क्लब मॉस। नेक्स्ट जो हमारी क्लास है, वो क्लास है स्पिनोप्सिडा। स्पिनोप्सिडा के जनरल कैरेक्टर देखेंगे एक बार। देखिए इसमें प्लांट बॉडी आर डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीफ। रूट शूट एंड लीफ वही है, रूट स्टेम और लीफ। यहाँ भी एडवांस फीचर वही है कि रूट का डेवलपमेंट हो चुका है और ये सारी कंप्लीट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन भी हो चुका है। यहाँ पर देखिए रूट के केस में ये एक एडवांस फीचर कि यहाँ पर जो प्राइमरी रूट बनती है वो प्राइमरी रूट एब्सेंट होती है और एडवेंटिशियस रूट ही प्रेजेंट होती है। प्राइमरी रूट मतलब मूसला मूल, और जो एडवेंटिशियस है उसका मतलब है अपस्थानिक जड़। इसका मतलब है कि जो सीड का जर्मिनेशन हुआ, तो एक प्लूमल पार्ट बना, एक रेडिकल पार्ट बना, तो रेडिकल पार्ट जो बन रहा था, इस रेडिकल पार्ट में सीड से ना, इस रेडिकल पार्ट से रूट का डेवलपमेंट ना होकर के सीड कोट से या कॉटिलिडन से ही रूट का डेवलपमेंट हुआ है, इसलिए यहाँ पर एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन हुआ है। देन आर्टिकुलेटेड स्टेम्स आर प्रेजेंट। आर्टिकुलेटेड स्टेम का मतलब है, देखिए जो स्टेम है वो इस तरीके से नोड्स और इंटर नोड्स में डिफ्रेंशिएटेड होता है। तो ये वाला पार्ट हो गया हमारा इंटर नोड, और ये जो पार्ट है वो है हमारा नोड्स। तो अगर प्लांट बॉडी या स्टेम जो है वो नोड्स और इंटर नोड्स में डिवाइडेड होता है, डिफरेंशिएटेड होता है, तो उस तरीके के स्टेम को हम कहते हैं आर्टिकुलेटेड स्टेम। देन सिलिका आर प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ एंड स्टेम। देखिए यहाँ पर लीफ और स्टेम जो है वो रफ स्ट्रक्चर होती है, और रफ स्ट्रक्चर जो बन रही है वो किसकी प्रेजेंस से बन रही है, सिलिका के डिपोजिशन से बन रही है। इसका बेस्ट एग्जांपल इक्विसिटम है। इक्विसिटम हम लोगों के प्रैक्टिकल में भी है, जब आप इसे टच करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना रफ होता है ड्यू टू सिलिका डिपोजिशन। देन स्पोरोफिल्स, वही इस फर्टाइल लीव्स होती है जिन पर किसका डेवलपमेंट होता है, स्पोरेंजिया का, और आगे चल करके वो उस स्पोरेंजिया में क्या बनेंगे, स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। देन जो कोन बनता है वो लॉन्ग डेंस और कॉम्पैक्ट कोन बनता है। देखिए इसकी स्ट्रक्चर, ये स्टेम है, ये स्टेम पार्ट इस तरीके से नोड्स और इंटर नोड्स में डिफ्रेंशिएटेड होता है, और इन्हीं स्टेम पर इस तरीके से कोन का फॉर्मेशन होता है। ये कोन जो है ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि यहाँ पर जो स्पोरेंजिया है, स्पोर्स हैं, वो इस तरीके से आपस में कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर के साथ में जुड़े हुए थे। तो लंबा है, डेंस मतलब कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, जुड़ी हुई संरचना है,
स्पोरेंजियो फोर पर ही स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है. व्हाट इज स्पोरेंजिया, स्पोरेंजियो फोर, स्पोरेंजियो फोर ये स्टेम है, ऐसा स्टेम जिस पर किसका डेवलपमेंट हुआ हो, कोन का डेवलपमेंट हुआ है, तो उससे हम कहेंगे स्पोरेंजियो फोर. यानी अगर हम बात करें कि ये एग्जांपल, तो ये स्टेम है, ये वाला स्टेम जो है अब स्टेम ना कहला करके क्या कहलाएगा, स्पोरेंजियो फोर कहलाएगा. क्यों? क्योंकि इस स्टेम पर किसका डेवलपमेंट हुआ है, स्पोर ये कोन बना है और इस कोन के अंदर क्या है, स्पोरेंजिया प्रेजेंट है. देन कैटाफिलस आर प्रेजेंट. कैटाफिलस क्या होती हैं, स्केली लीव्स होती हैं जो कि प्रोटेक्शन का काम करती है. लाइट ब्राउन कलर की हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि यहाँ पर प्रेजेंट होती है, इस तरीके से हेयर लाइक स्ट्रक्चर है तो ये प्रेजेंट होती है. तो कौन सी लीफ एब्सेंट हो गई, ट्रोपोफिलस जो है वो एब्सेंट हो गई है. ट्रोपोफिलस जो है वो अभी मैंने पहले भी बताया है कि ट्रोपोफिलस कौन सी लीव्स होती हैं, फोटोसिंथेटिक लीव होती हैं जो कंप्लीट प्लांट में फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्शन, फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी करती हैं. इसका मतलब अगर ट्रोपोफिलस एब्सेंट है और कैटाफिलस प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कौन करेगा, इसका स्टेम पार्ट जो है वही यहाँ पर यंग स्टेम, कौन सा स्टेम, यंग स्टेम जो होगा वो ही इसकी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करेगा. देन होमोस्पोरस होता है, एक ही जैसे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, एक ही तरीके के बीजाणु बनते हैं, या तो मैक्रो टाइप के बनेंगे या माइक्रो टाइप के बनेंगे. बेस्ट एग्जांपल जो आपके सिलेबस में है, इक्विसिटम, कॉमन नेम फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, कॉमन नेम इक्विसिटम का क्या है, हॉर्सटेल, हॉर्सटेल के नाम से इसे जाना जाता है. देन इसके जो एक्सटिंग प्लांट है जो विलुप्त हो चुके हैं वो है हाइनिया एंड स्पिनोफिला, ये इसके एक्सटिंक्ट वेराइटीज़ हैं जो कि अब विलुप्त हो चुकी है. आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम जो लास्ट क्लास है हमारी टेरोप्सीडा या फिलिसिनी उसको डिस्कस करेंगे.